किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। नमस्कार, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, वैसे तो ये जो मार्च का महीना है ये बहुत ही शुभ व कल्याणकारी रहने वाला है हर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस महीने में आ रही है महाशिवरात्रि, जिस दिन शिव व शक्ति का मिलन हुआ था। तो महाशिवरात्रि के दिन जो भी भगवान शंकर की पूजा करता है, शक्ति की आराधना करता है, व्रत करता है या रात्रि जागरण करता है, भोले बाबा की कृपा उस पर बनी रहती है। इसी महीने में आ रही है होली, रंगों का त्योहार, और होलिका दहन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी प्रबल हो लेकिन एक दिन उसका नाश होकर रहता है। तो इस मार्च के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की अपार कृपा हर व्यक्ति पर बनी रहेगी, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग पड़ने वाला है। तो कौन सी तिथियां किस राशि के लिए शुभ हैं और कौन सी अशुभ है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर शुभ तिथियों में हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जो जो बताया गया है वो हम कार्य करने में लग जाते हैं, तो सब मंगल ही मंगल होता है। और जो अशुभ तिथियां हैं उनमें हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धैर्य और शांति से अगर हम कार्य करेंगे तो वो अशुभ तिथियां भी हमारे लिए शुभ ही रहे। आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च महीने की 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 25 तारीखें शुभ व लाभकारी रहेंगी। व्यापार वृद्धि की संभावनाएं रहेंगी, नौकरी के हालात में सुधार होगा, कार्य करने से पहले अच्छाई व बुराई का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लेंगे, महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में व्यस्त रहेंगे, पढ़े लिखे लोगों से सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लेन देन के व्यवसाय में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, सरकार द्वारा लाभ मिल सकता है, किसी दूर प्रदेश के निवासियों से अच्छे संबंध कायम भी हो सकते हैं। इस वक्त किया गया भ्रमण उपयोगी रहेगा, व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा सौदा होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत उत्तम है, मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा, कारोबार में उन्नति व लाभ होगा, महत्वाकांक्षाओं व इच्छाओं की पूर्ति होगी, नया कार्य शुरू करने से लाभ मिलेगा, मित्रों व हितेशियों से खूब मदद मिलेगी, आनंददायक यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। अब कुछ अशुभ तिथियां हैं, 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 28 व 29, तो ये तिथियां अशुभ हैं, इसलिए सावधानी बरतें। 1 व 2 तारीख को 8वां चंद्रमा होने से जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पारिवारिक जीवन में तनावग्रस्त रहेंगे, कड़ी मेहनत करने पर भी परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, व्यापार में सहयोगी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कार्यों में उन्नति विरोधियों के लिए ईर्ष्या और द्वेष का कारण बन जाएगी, छोटी सी बात को लेकर अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए टेंशन भी हो सकती है, शत्रु हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, काम का बोझ अधिक होने के कारण मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, फालतू के कार्यों में शक्ति और समय व्यय अधिक होगा। तो मार्च का महीना आप सब के लिए शुभ, कल्याणकारी व मंगलदायक हो, यही हम सब की भगवान से प्रार्थना है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।